माँ और बेटे के रिश्ते से, और उसके बाद आएगी राधा और कृष्ण की झांकी, दीदार करेंगे। जागरण यहाँ पे हो रहा, मस्ती अच्छी खासी छा रही है और सब हंस हंस के ताली बजा रहे हैं। या अम्मा पे उदासी, चाय गम में बैठी हो? चाय ना मिली, चाय चाय मिली। कह दो सच्चे दरबार की आई माँ और बेटे के पावन रिश्ते से बड़ी सुंदर सी रचना कि एक माँ अपने बेटे के साथ क्या कुछ नहीं करती और बड़े होने के बाद बेटे माँ की ममता का क्या सलाह देते। आइए। कि माँ बाप गम को सह गए, कोई कर सीना फौला, माँ बापों के कर्ज का क्या देती है औला। माँ बाप अपने हृदय पर पत्थर रख के अपने लाडले बेटों को पालते, लेकिन बड़े होने के बाद वही बेटे माँ की ममता का क्या सलाह देते। आइए बड़ी सुंदर सी रचना, और जो अपने माँ बाप से प्यार करते एक बार ऐसे हाथ खोल के अपने अपने माता पिताओं के लिए कह दो, अपने अपने माता पिताओं की जय जय। क्या बात है, आइए बड़ी सुंदर सी रचना, और क्या बता दी। माँ का दिल लाजवाब होता है, प्यार इसमें बेहिसाब होता। बेटा अपनी माँ से प्यार करे ना करे, पर हर माँ को अपने बेटे से प्यार होता नहीं होता है। आइए बड़ी सुंदर सी रचना, और क्या बता दिया। तुम बदले सौ बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद, मगर माँ बाप, हाँ जी, हर माँ बाप नहीं बदले। तो एक बार दोनों हाथ खोल के और तालियों के साथ चलेंगे। 1 2 3 4 अपने अपने माता पिताओं के लिए ताली खोल के सभी, क्या बात है। पीछे वाले भैया जी सभी, एक बार दोनों हाथ सर से ऊपर, हाँ जी। तुम बदले सौ बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। तुम बदले सौ बार, मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। ये बदल गई औलाद, मगर माँ बाप ना बदले। हर बदल गई औलाद, मगर माँ बाप नहीं बदले। बदल गई औलाद, मगर माँ बाप ना बदले। ताली बजा के दोनों हाथ खोल के चले। और पहली बात तुम्हें बताया कि अपने माँ अपने बेटों के साथ क्या करती है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, और पिता ने
उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, हर पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है, पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। जिस माँ ने हमको अपना दूध पिलाया और पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। पढ़ती है माँ ने हमको अपना दूध पिलाया है और पिता ने उंगली पकड़ के चलना, अगर ये बात सच है तो दोनों हाथ खोल गए। अगर बात सच है कि अपने आपके माता पिताओं ने ऐसा किया है तो ताली उनके लिए अवश्य बजाएं। और जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी की इज्जत नहीं कर सकता। अब दोनों हाथ अपने माता पिताओं के लिए। हाँ जी, पढ़ती है पड़ती है दिलों पर मार, मगर तेरा प्यार नहीं बदले। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। बोलिए दोनों, हर बदल गई औलाद। हाँ जी माता बहना थोड़ा पीछे से दोनों हाथ खोल गए। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप। आइए दोनों हाथ खोल के तालियों के साथ। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। तालियों जाके मंदिर माही तीर्थ होती है, माही मंदिर माही तीर्थ होती है। माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है, माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है। ये माही मंदिर माही तीर्थ होती है, माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है। ये माही मंदिर माही होती है, माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है। बताया कि माही मंदिर माही तीर्थ होती है और माँ के चरणों में यारो जन्नत होती है। अब पिता की बारी आई, अगर माँ के चरणों में जन्नत है तो पिता भी किसी से कम नहीं है। क्यों? उस जन्नत को आपको देने वाले एक पिता हैं, क्योंकि यदि पिता नहीं होते, मानता हूं मां का दर्जा ऊंचा है लेकिन पिता भी कम नहीं है। और बता दिया ये पिता है, हाय ये पिता है जन्नत द्वार, मगर तेरा प्यार नहीं बदले। ये पिता है जन्नत द्वार मगर तेरा प्यार नहीं बदले। अब एक बार दोनों हाथ खोलकर तालियों के साथ, एक बार दोनों हाथ ऐसे खोल के, दोनों हाथ सर से ऊपर। सबको अपने माँ बाप की कसम है, जो अपने माँ बाप से प्यार करता है और जिनके माँ बाप भगवान जी के पास चले गए वो भी आज याद करेंगे। एक बार दोनों हाथ खोल के सर से ऊपर और कहेंगे हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप ना बदले। हर बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। हर बदल गई औलाद।
सच्चे दरबार की।